हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पुराने वाले वीडियो देखे होंगे निफ्टी के, जो कि बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा जो जाल है ये मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, और फिर एक बार जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कब का है, जब ये जो हाई बने थे इसके बाद में इधर से गिरा था, तो ये सब मैंने उसी टाइम से ड्रॉ किए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइन को अगर बढ़ाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट लिए है, और इसके बाद जो है आज थोड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या हो सकता है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, बट ये जो है हल्का रेजिस्टेंस है, हो सकता है इसके बाद यहाँ से अगर ऊपर निकल जाए तो फिर ये जो है अच्छा एक मोमेंटम ले ले, क्योंकि अभी जो है क्रिसमस भी चला गया है, तो इसके बाद में थोड़ा FII जो है इसमें आती है और इससे जो है थोड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ रहती है। अगर पुराने पिछले सालों के रिकॉर्ड भी देखेंगे तो ये जो है क्रिसमस वाला जो वीक है तो ये क्रिसमस के बाद थोड़ा अच्छा ही रहता है। तो इसमें एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें जो है वापस ये जो FII जो है वापस आती है, तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ का भी बेनिफिट मिलता है। और दूसरा क्या है, कोरोना का जो डर था, यानी ये तीन चार जो कैंडल हैं ये कोरोना की जो न्यूज़ बेस्ड जो एक माहौल बना था, तो ये तीन चार दिन में थोड़ा सा वैसे भी सेटल हुआ है। और दूसरा क्या है, चाइना से जो न्यूज़ आ रही है तो वो कुछ हद तक ठीक आ रही है, मतलब जितना माहौल जो दिखाया गया था उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। अभी न्यूज़ बेस्ड में गिरावट आती है, पैनिक में सेलिंग आती है, तो इससे ये जो है ऐसी कैंडल आपको नज़र आएंगी, बट आज वाली कैंडल से थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव साइन जो देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, इस ब्ल्यू वाली लाइन के ऊपर जाता है निफ्टी, तो इसमें ऐसे समझो कि थोड़ा सा अच्छी खबर है और मार्केट में जो है अच्छी मोमेंटम रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। और इसके बाद में अगर स्टॉक की बात करें तो ये आप स्टॉक देख सकते हैं, तो इस स्टॉक में मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और आप ये देख सकते हैं इस लाइन के आसपास से जो है स्टॉक हर बार ऊपर गया है। तो अगर आप चाहें तो यहीं पे एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस खुद करना है, और एनालिसिस करके अगर एंट्री लेते हैं यहाँ पर तो आप क्या करोगे कि इस लाइन को आपको पहले ड्रॉ करके रखना है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे ही आप थोड़ा देखना है, एवरेज वगैरह करना है, नहीं तो बीच में आपको कुछ नहीं करना है अगर एंट्री लेते हैं तो। वैसे अभी आप देख सकते हैं ये मैंने जो लाइन है वो ड्रॉ की है 350 के आसपास, और स्टॉक का क्लोजिंग है 380, तो 25 रुपये का अभी गैप है। तो आप चाहें तो स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो है यहाँ पर इस लाइन पर भी वेट कर सकते हैं, और इस लाइन के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप एंट्री लेंगे, और उसके बाद में जो है लेवल जो है नेक्स्ट यहाँ तक के आप मान सकते हैं 440 वाले। वैसे अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले भी सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस खुद करना है, और इसके बाद में जो है 440 वाले लेवल के हिसाब से आप जो है इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और 440 अभी से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 15% ऊपर है स्मॉल अमाउंट में, बार बार बोल रहा हूँ स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अगर बिल्कुल सेफ चाहते हैं तो इस लाइन को ड्रॉ करके रखिए, जब भी इस लाइन के आसपास आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये लाइन पे अगर ब्रेक भी होता है तो नीचे जो है ये ब्लू वाली लाइन है, वैसे ब्रेक होने के बहुत रेयर चांस है, तो आप जो है इस लाइन को सपोर्ट मान के एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव भी होते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए यहीं पर इसको जो है एंड करते हैं वीडियो का, और टेलीग्राम चैनल वगैरह उन पर अपडेट मिल जाएंगी अगर इसमें कुछ रहेगा तो। बाकी आप जो है थोड़ा सा इसमें लाइन ड्रॉ करके रखिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के अपडेट के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।